नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज नंबर है नक्षत्रों का जो राजा है जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, उस नक्षत्र पर इतनी डिटेल में और विस्तार से चर्चा करेंगे। 3 दिन से इसके ऊपर स्टडी की जा रही है। आप लोग जिनका ये नक्षत्र है या जिनकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है, उस पर ये इफेक्ट डालेगी बात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है और इसमें जो भी जन्म लेता है उसका स्वामी शनि होता है और शनि की महादशा उसके जन्म समय में होती है। आपको मैं गणना करके बताता हूं, जिसका पहले चरण में जन्म है 19 वर्ष की महादशा लगभग होगी, दूसरे चरण में जन्म होगा तो 15.5 वर्ष तक उसकी महादशा शनि की चलती रहेगी, तीसरे चरण में अगर जन्म होगा तो लगभग 9.5 वर्ष तक उसको शनि की महादशा इस संसार में भोगनी होगी जन्म के बाद, और चतुर्थ चरण में अगर जन्म होगा तो लगभग 4.5 वर्ष तक उसको शनि की महादशा का कार्यकाल भोगना पड़ेगा। उसका नाम है भोग्य दशा जो इनके जीवन में रहेगी जन्म के बाद। खैर ये बात तो सब जानते हैं और सबकी कुंडली में लिखी होती है, सब लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार हैं हमारे सब्सक्राइबर। अब बात करते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने के बाद जो 17 साल की महादशा, फिर जो बुध की आएगी, पुष्य नक्षत्र के लिए बुध की महादशा युवावस्था होते होते रहती है। अब बुध की दशा किसके लिए खराब है किसके लिए अच्छी है, पहले उसी के ऊपर चर्चा करते हैं, नहीं तो बाद में क्रम जो है गड़बड़ा जाएगा। केतु की दशा का चर्चा बाद में करेंगे। देखिए शुभ दशा, बुध की महादशा शुभ किसके लिए रहने वाली है, वृष मिथुन और सिंह इनके लिए बहुत अच्छी दशा रहेगी। कौन क्या है ये लगन है, वृष लगन, मिथुन, सिंह और कन्या लगन, तुला और धनु लगन इनके लिए शुभ रहेगी और मकर और मीन लगन के लिए बहुत शुभ दशा रहती है। ये 8 लगन है और ये इन राशियों के लिए भी आप मान सकते हैं क्योंकि इनके लिए कारक रहती है बुध की महादशा। खराब किसके लिए है, मेष राशि, मेष लगन, क्योंकि मेष लग्न से 6 और 3 भाव का स्वामी बुध अपनी महादशा में अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। संघर्ष, परेशानी, भाई बहनों की दिक्कत, बीमारियां और शत्रु बहुत होते हैं, बहुत स्ट्रगल कंपटीशन करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उसको। दूसरा है कर्क लग्न, कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए 12 भाव मिथुन राशि, 3 भाव कन्या राशि, तो ये काफी खराब स्थिति आ जाती है। बुध की महादशा उस स्थिति में अच्छा फल प्रदान नहीं करती है। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं नहीं जी आप तो बता रहे हैं सारी उम्र हमारे लिए तो खराब ही रहेगा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं है करते, आपका भाग्य है। कोगुन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कुछ इस जन्म में कष्ट भोगते हैं, कुछ प्रारब्ध के वो होते हैं, प्रारब्ध के भाग्य जो भोगने पड़ते हैं, लेकिन जो इस जन्म में अच्छे ग्रह लेकर के आया ये सब भाग्य विधाता और आपके खुद के भाग्य पर निर्भर करता है। दूसरी बात, अवृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए बुध की महादशा का फल अच्छा इसलिए नहीं रहता क्योंकि 8 भाव उनका कष्ट देता है और बुध अच्छा फल नहीं प्रदान करता, युवा अवस्था रहती है। उसके बाद आया कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में भी बुध के परिणाम अच्छे नहीं देखे गए हैं क्योंकि 8 भाव वहां भी बुध की राशि है। युवा अवस्था जब ये निबट जाती है युवा अवस्था में बुध की महादशा, उसके बाद आती है केतु की महादशा। केतु लाभ स्थान में बैठा है 6 में और भाग्य स्थान में 3 भाव में,
अच्छा फल प्रदान करता है अन्य अन्य राशियों में अन्य अन्य स्थानों पर, लेकिन खराब स्थान में बैठ करके केतु की महादशा कर्क लगन कर्क राशि के लिए खासतौर से इन्फेक्शन, संक्रामक रोग, फोड़ा फुंसी और चोट आदि का भय और छोटा मोटा ऑपरेशन अगर मंगल की दृष्टि है तो। इस प्रकार से ये केतु की दशा निकल जाती है और भगवान ने देखिए कैसा काम किया हुआ, सूर्य मंगल और केतु इनको जो संख्या दी गई है बहुत अल्प दी गई है, कम, अगर ज्यादा 20 साल की सुख देने वाली जो दशा है वो शुक्र की है 20 साल तक, और शनि राजा बनाता है इसलिए 19 साल की है। राहु इतने वैभव प्रदान करता है, हवाई जहाज में घुमाता है मनुष्य को 18 वर्ष की, और पूजा पाठ धर्म कर्म ज्ञान आदि प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज है 16 साल की बुध की महादशा दी है, और ज्ञान बुद्धि विवेक और कला कौशल अच्छी वाक शक्ति ज्ञान और वाणी और टेक्नोलॉजी और गणित और अच्छा शक्ति ज्ञान के साथ साथ प्रोफेसर और जो डॉक्टर हैं और कानूनविद विशेषज्ञ आईएएस अफसर ये सब बुध की कृपा से रहते हैं, जो कि 17 साल की दशा रहती है। अब आप देखिए कि जो भी कष्ट देने वाले पाप ग्रह हैं उनकी दशा कम रहती है, और जो ज्यादा सुख देते हैं उनकी दशा ज्यादा लंबी होती है। इसीलिए बुद्धिमान लोग इस बात को समझें और परख करके इस बात को आत्मसंतोष प्राप्त करें कि भगवान ने भी आपके लिए अच्छा प्रिविलेज, अच्छा ज्ञान, अच्छी एक सुविधाजनक ज्योतिष के एक क्रम को बनाया है जो आपको लाभ देगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि बताया मैंने, बुध की महादशा अच्छी नहीं रहती, लेकिन केतु इनके लिए कष्टकारक जब होता है जब इनके द्वादश भाव अष्टम और लग्न में ही बैठा हो या सप्तम भाव में, डिटैचमेंट कराता है पति पत्नी के बीच में, अवरोध तलाक जैसी स्थिति या रोग के कारण दाम्पत्य जीवन छिन्न भिन्न दिखाई देता है। अब आते हैं शुक्र की महादशा पर। शुक्र की महादशा देखिए, जिन जिन के लिए मैंने खराब बताई थी अब उनका नंबर आ रहा है उनके लिए अच्छा। मेष राशि मेष लग्न के लिए शुभ फल जिसको मैंने बुध की दशा में खराब बताया था वो अब अच्छा है। कर्क राशि कर्क लग्न के लिए शुक्र योग कारक समस्त सुखों की प्राप्ति देने वाला और शुक्र योग कारक होता है समस्त वैभव पूर्ण सुख के, जो परिभाषा में आते हैं चीजें, विलासिता पूर्ण जीवन, ऐश्वर्य पूर्ण जीवन, सोना चांदी, अच्छे वस्त्र, वैभव, मकान और अच्छा खान पान, दूध दही घी आदि का सुख प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। चंद्रमा और शुक्र की महादशा इसी बात के लिए जानी जाती है कि आपको सुख देती है। कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए भी यही है, सेम रिपीट हो जाता है। और वृश्चिक लग्न के लिए भी और वृश्चिक राशि के लिए भी, क्योंकि सप्तम का कारक जो है केंद्र का स्वामी होकर के और बार बार शुक्र वैभव का कारक बनता है, विदेश यात्रा कराता है वृश्चिक के लिए। बाकी सब देखिए, वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए शुक्र की दशा सामान्य फल देती है, मिथुन के लिए अत्यंत शुभ, कर्क का मैंने बताया शुभ, सिंह के लिए अत्यंत शुभ नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा मान सम्मान, कन्या के लिए योग कारक शुक्र की महादशा, ये सब बात चल रही है उनकी जिनका पुष्य नक्षत्र है। अब आया तुला लग्न तुला राशि शुक्र की महादशा रोग कारक लेकिन तरक्की देती है, वृश्चिक के लिए शुभ, धनु के लिए अत्यंत शुभ लेकिन रोग कारक रहती है, पुष्य नक्षत्र वालों की बात कर रहे हैं। मकर लग्न के लिए भी पुष्य नक्षत्र में योग कारक शुक्र माना गया है और कुंभ के लिए शुभ, मीन के लिए थोड़ा सा समय अल्प कष्ट कारक, भाई बहनों की समस्या को लेकर समस्या रहती है। उसके बाद शुक्र के बाद 6 वर्ष सूर्य की महादशा,
इस प्रकार से फल देती है कि सूर्य कहाँ बैठा है। चंद्रमा की दशा अत्यंत शुभ इसलिए रहती है क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र वालों की कर्क राशि होती है, इसलिए 10 साल चंद्रमा की महादशा में अगर चंद्रमा अष्टम और छठे भाव में नहीं है तो उनको राजसी ठाट बाट ज्ञान बुद्धि विवेक पैसा धन और पशु उसके घर में रहते हैं, दूध देने वाले पशु उनको लाभ देते हैं और नौकर चाकर बहुत रहते हैं। इसके अलावा आगे की सब दशाएं मंगल आदि राहु सब अच्छी दशाएं अच्छा फल देती हैं। ये पुष्य नक्षत्र का संक्षेप में जितना भी मेरे से बना उतना मैंने बताया, तो उस हिसाब से आप समझ करके चलें। तो पुष्य नक्षत्र वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।